शुक्रवार की रात को प्रगति नगर के रहने वाले 26 वर्षीय युवक उत्तम सोनी ने ट्रेन से कटकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या से पहले अपनी पीड़ा और मानसिक परेशानी को उत्तम सोनी ने 2 पेज पर लिखा और सुसाइड नोट अपने फेसबुक आईडी पर अपलोड किया, लेकिन जब तक लोगों को इस बात का पता चला तब तक उत्तम जान दे चुका था। शनिवार को उत्तम को आत्महत्या के लिए मजबूर करने के 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन करते हुए शहर की स्टेशन रोड को जाम कर दिया गया। घटनाक्रम के अनुसार शुक्रवार की रात को छापर रोड स्थित सम्राट होटल के पास की रेल फाटक से आगे उत्तम पुत्र जय किशन सोनी निवासी सुजानगढ़ द्वारा आत्महत्या कर लिए जाने के बाद मृतक के शव को टीम हारे का सारा के संयोजक श्याम स्वर्णकार नवरतन बिजाने की मदद से राजकीय बगड़िया अस्पताल की मोर्चरी में पहुंचाया गया। सुसाइड नोट की बात सामने आने पर पुलिस ने रात में ही एक्टिवेट होकर सुसाइड नोट में जिस महिला का जिक्र किया गया है उसे डिटेन कर लिया, लेकिन शनिवार की सुबह आरोपियों को गिरफ्तार किए जाने की मांग को लेकर अरविंद सोनी, बलराम सोनी, अमित मोसून, नरेंद्र गुजर, मृतक के चाचा गणपत सोनी आदि लोगों को साथ लेकर अस्पताल के आते में धरने पर बैठ गए। इस दौरान पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि मुख्य आरोपी रामस्वरूप खटीक को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जावे और मृतक के आश्रित को सरकारी नौकरी दी जावे। इसी प्रकार मुआवजा दिए जाने व सब इंस्पेक्टर इंद्रलाल शर्मा को सस्पेंड किए जाने की मांग भी प्रदर्शनकारियों द्वारा बार बार की जाती रही। प्रदर्शनकारियों ने बात नहीं बनते देखकर करीब 11 बजे स्टेशन रोड स्थित नया बाजार चौराहे पर बैठकर सड़क जाम कर दी, जिससे यातायात और बाजार बाधित हुआ। इसी प्रकार यातायात को डाइवर्ट भी प्रशासन द्वारा करवाया गया। करीब आधे घंटे बाद फिर से पुलिस और प्रशासन के साथ वार्ता हुई और सभी लोग अस्पताल में आ गए, लेकिन मृतक के चाचा गणपत सोनी ने कहा कि जब तक मुख्य आरोपी रामस्वरूप को नहीं पकड़ा जाता और जब तक मुआवजे की मांग नहीं मानी जाती तब तक हम लोग संघर्ष करेंगे। ऐसा कहकर सभी लोग कुछ ही देर में वापस अस्पताल के पास स्थित नया बाजार चौराहे स्थित स्टेशन रोड पर बैठ गए और सड़क जाम कर दी। अनेक दौर के बाद दोपहर करीब 3 बजे प्रशासन व पीड़ित पक्ष के बीच 7 मांगों पर समझौता हुआ। समझौते के अनुसार पुलिस द्वारा शीघ्र ही दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किए जाने, मृतक के परिवार को पीड़ित प्रतिकर अधिनियम के तहत नियमानुसार अधिकतम मुआवजा राशि के लिए सिफारिश करने, मृतक के आश्रित को सरकारी नौकरी दिए जाने के लिए राज्य सरकार को अभिशंसा भेजे जाने, मुकदमे की जांच उप पुलिस अधीक्षक सुजानगढ़ से करवाने, सब इंस्पेक्टर इंद्रलाल शर्मा को एसपी कार्यालय में तुरंत लगाने और जांच का आश्वासन प्रशासन द्वारा दिया गया। समझौते पर एडीएम भागीरथ साख, मृतक के चाचा गणपत सोनी, दादा मदनलाल सोनी के हस्ताक्षर हैं। सुबह से चल रही प्रदर्शन के दौरान उपखंड अधिकारी मूलचंद लुनिया, पुलिस उप अधीक्षक राम प्रताप बिश्नोई बार बार पीड़ित पक्ष से वार्ता कर रहे थे तथा उनसे समझाइश के प्रयास करते रहे। प्रदर्शन के दौरान श्री मेढ क्षेत्रीय स्वर्णकार समिति के अध्यक्ष अरविंद सोनी, पार्षद जितेंद्र सिंह, महेंद्र गोदारा, लालचंद सोनी, सुनील सोनी, भाजपा युवा मोर्चा अध्यक्ष अमित भूषण, बुद्धि प्रकाश सोनी, वैद्य भवनलाल शर्मा, गणेश चाट, भवानी सिंह, श्रवण सिंह, श्रीराम, बनवारी लाल सोनी, सुनील सोनी, सत्यनारायण कुलथिया, विकास सोनी, बलराम सोनी, सद्दाम कादरी, ओम प्रकाश सोनी, अमन सोनी, नवीन सोनी, संपत, मनोज, महेश, सुभाष, रतनलाल, हसराज नायक, हनुमान सोनी, भरत सोनी, केसरदेव सोनी, विनोद सोनी, लालचंद सोनी, मोनू, जितेंद्र, रमेश, हरीश, लक्ष्मी नारायण, गणपत सोनी, विश्वदीप काछवाल, हिमांशु भाटी सहित अनेक लोग मौजूद रहे। एहतियात के तौर पर पुलिस थाना सुजानगढ़ कोतवाली, पुलिस थाना सुजानगढ़ सदर, बिदासर व सांडो थाने के जाब्ते को भी मौके पर तैनात किया गया। वहीं पुलिस थाने में मृतक के चाचा गणपत राम सोनी ने रामस्वरूप खटीक व अज्ञात महिला के खिलाफ अवैध रूप से रुपयों की मांग करते हुए आत्महत्या के लिए उत्तम को ब्लैकमेलिंग करते हुए मजबूर करने के आरोप का मामला दर्ज करवाया गया। रिपोर्ट में बताया गया है कि आरोपी ने मृतक को उसके खिलाफ SC/ST एक्ट व रेप का झूठा मुकदमा दर्ज करवाने की धमकी दी, जिससे उसने परेशान होकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने मामला दर्ज करके जाँच शुरू कर दी है। उन आरोपियों की गिरफ्तारी चाहता है जिसकी वजह से इसने आत्महत्या करी है और जिन पुलिस वालों ने इसको धमकाया है उनको सस्पेंड करना चाहता है और इसका मुआवजा इनके बच्चे के जो बीवी बच्चे हैं उनको आश्रितों को मुआवजा और इसकी वाइफ को नौकरी। घटना के पीछे क्या कारण रहे? घटना के पीछे उत्तम के बताने के मुताबिक एक उसका दुकान पड़ोसी है रामस्वरूप खटीक और एक लेडीज है उसका नाम मेरे को मालूम नहीं है, उन्होंने इसको ब्लैकमेल करा है कोई लोकेट सोने का 500 रुपये में गिरवी रखा शुरुआत में और उसके बाद में उसने वो लोकेट भूलवश से उसके लेडीज ने 15 दिन का कॉल करा था उसमें वापस छुटाने के लिए, लेकिन वो 1 महीने से ऊपर टाइम पे भी नहीं आई और इसने पुराने सोने के साथ में वो लोकेट रखा हुआ था तो वो लोकेट भूलवश इसने वो गला दिया
तो जब ये वापस लेने के लिए आई तो इसने कहा कि भाई वो तो लॉकेट तो मेरे हाथ से मिट गया। तो फिर इसने बोला कि मैं वापस लॉकेट बना के दे दूंगा आपको, जो भी आपका बना है मेरे पास में डिजाइन है उसकी, वो लॉकेट आपको वापस बना दूंगा। तो वहाँ पे ये खटीक और इसने बहसबाजी करी, फिर ये चली गई। दूसरे दिन इसको थाने में, वो लेडीज थाने में चली गई, थाने से दो सिपाही आए और उन्होंने इसको उठा के फिर लेके भी गए। वहाँ थाने में भी इसको धमकाया करा गया और वहाँ पे जाके उस लेडीज ने एक लॉकेट के बदले में 9 पातड़ी और 6 मोती का पूरा मंगलसूत्र लगभग 10-11 ग्राम वजन का उसने वहाँ कर दिया कि मेरा इतना बड़ा लॉकेट था। लेकिन वो लॉकेट जब अगर 10 ग्राम सोना होता है 50,000 का, 50,000 में आप बताओ 500 रुपये में कोई गिरवी रख देगा क्या? नहीं, प्रशासन ने पूरा सहयोग दिया है। हमारी वार्ता थी, 2 गिरफ्तार किए गए, इसमें एक किया जा चुका है, दूसरी हमारी थी, दोषी अधिकारी है उसको निलंबित किया जाए, उन्होंने निलंबित नहीं करके लाइन हाजिर कर दिया। मर्द तक की जो पत्नी है उसको सरकारी सहायता दी जाए, तो उन्होंने सरकारी प्लस एक वो कोई इनका तरीका होता है सहायता करने का, उसमें उन्होंने कहा जितनी भी सहायता होगी सरकार ने SDM साहब, ADM साहब, DOSP साहब सब ने बैठ के एक 7 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा, उन्होंने हमारे इसको यस कर लिया, उसके आधार पर हम पोस्टमार्टम करवा रहे हैं। सोनी सुसाइड प्रकरण में परिजनों ने माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम से ज्ञापन दिया था जिसमें 5-6 पॉइंट थे। तो इन बिंदु पे आपस में जो उनके परिजन और जो मौजूद आदमी और संघर्ष समिति जो इन्होंने थे उनके बीच में वार्ता हुई। वार्ता के अनुसार जो जिसके खिलाफ इन्होंने मुकदमा दर्ज कराया मुलजिमों को उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा, और इसके अलावा जो जिस अधिकारी पुलिस अधिकारी के खिलाफ इनका ये एक हिसाब इस अधिकारी की भूमिका इसमें हो सकती है तो उनको यहाँ से श्रीमान SP साहब के कार्यालय में और उधर भेज के और जो जांच है वो CO साहब सुजानगढ़ के स्तर पे की जाएगी। इसके अलावा इनका जो आर्थिक सहायता हेतु जो आवेदन है इनका परिवार का वो राज्य सरकार को भिजवा देंगे, और इसके अलावा इनको जो सामाजिक सुरक्षा योजना में कहीं भी इनकी पात्रता के अनुसार परिवार को फायदा दिलाने की कोशिश करें। शेष बाकी जो है जांच का विषय है तो पुलिस अपनी तफ्तीश करके इसके संबंध कार्रवाई करेगी।